सबसे पहले मैं बिहार के सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को, भाई बहन को मैं नमस्कार करता हूँ और मैं उनको आभार प्रकट करता हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ताकि आप लोगों की जो दुआ है मेरे लिए, आप लोग बिहार के 94,000 अभ्यर्थियों ने लगातार जो हमारे लिए जो दुआ करती थी कि राजेंद्र सर का होना चाहिए, और कहीं न कहीं आप लोगों की दुआ और माता वैष्णो देवी की कृपा से मेरा कल सिलेक्शन हुआ है। मैं इसके लिए बिहार के तमाम अभ्यर्थियों को बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ और मैं उन सभी अभ्यर्थियों को शुभकामना देता हूँ जिन अभ्यर्थियों का चयन अभी तक हो चुका है और जिन अभ्यर्थियों का चयन होना है उनके लिए मैं बेस्ट ऑफ लक करता हूँ और उनको मैं शुभकामना देता हूँ कि वो भी कहीं न कहीं सिलेक्शन हो जाए। और जाहिर है कि सिलेक्शन हुआ है तो खुशी है मुझे, लेकिन पूरी खुशी तब होगी जब बिहार के तमाम अभ्यर्थियों की 94,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाए और तब जाकर के हमें पूरी तरह से मैं तहे दिल से खुश हूंगा और मैं उनको शुक्रिया अदा करूंगा। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि आप लोगों की जो मेरे प्रति जो स्नेह है, विश्वास है और जो आप लोगों ने मेरे प्रति जो बात व्यवहार और लगातार कॉल करना, एक हमारे साथ जुड़े रहना, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आप लोगों के साथ मैं जुड़ा हूँ और आगे भी मैं जुड़ा रहूंगा। आप लोग निश्चिंत रहो, अगर मेरा हुआ भी है फिर भी मैं दुगनी एनर्जी के साथ, दुगनी उत्तेजना और गति के साथ मैं आप लोगों के साथ काम करूंगा और काम करता रहूंगा। सर, आपका काउंसलिंग दरभंगा तारदेव ब्लॉक में हुआ और बहुत से हमारे अभ्यर्थी हैं जो बिहार के भिन्न भिन्न जिलों से दरभंगा में पहुंचे हुए हैं और वहाँ पे तमाम तरह की जो व्यवस्था है, प्रशासन की व्यवस्था है, उनको लेकर के उनके तरफ से कमेंट किया जाता है और क्वेश्चन किया जाता है कि सर यहाँ पे बहुत गलत तरीके से हो रहा है या क्या कुछ हो रहा है, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाने नहीं दिया जा रहा। सर, आप वहाँ पे उपस्थित थे तो आपको क्या लगा, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। चूंकि मैं दरभंगा में था और मेरे सामने जो घटना घटी है मैं सब चीज को देख रहा था, समझ रहा हूँ, और चूंकि मैं जहाँ था तारडी प्रखंड में वहाँ का तो काफी बहुत ही अच्छा व्यवस्था था और वहाँ पर जो डीएम कॉलेज में जो तारडी ब्लॉक का जो काउंसलिंग हो रही थी वहाँ पर काफी सजगता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ सभी स्टाफ लोग काफी मिलनसार थे, वहाँ के पदाधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे और हमें लगता है कि ये पहली बार मुझे जीवन में देखने को मिला कि इतनी शांति ढंग से, इतने पारदर्शी ढंग से काम हुआ कि एक एक पद के लिए चार चार बार नाम पुकारा गया और जो सीट खाली रह गया उस पर दोबारा पुकारा गया, तीन बार अलग अलग टाइम में पुकारा गया, तो ये बहुत बड़ी चीज हमारे लिए लगा। और वहाँ जो भी स्टाफ थे काफी अच्छे थे, लेकिन कुछ सेंटर है जहाँ पर कुछ धांधली हुई है, कुछ संकेत मिल रहे हैं, जैसे बगल में था जालने का था वहां पर सुन रहे हैं और कैंसिल भी हुआ, सदर में भी कुछ हंगामा हुआ और कुशेश्वर स्थान, ये तीन जो सेंटर थे वहाँ कैंसिल का मुझे सूचना है और भी कहीं कैंसिल हुआ उसकी सूचना मुझे पास मेरे पास नहीं है, लेकिन वहां पर भी जो पदाधिकारी है उनको भी सजगता से काम करनी चाहिए और अभ्यर्थियों को भी सहयोग करनी चाहिए क्योंकि दोनों तरफ से होना चाहिए और प्रशासन पर ही केवल जिम्मेवार हम नहीं दे, हम जिम्मेवारी हम लोग भी शांति से करें। दूसरी चीज है कि प्रशासन अगर गलत करेगा, और आज के समय में ये सोचती है प्रशासन कि हम गलत करके बच जाएंगे, ये संभव नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मुझे पता चला था कि जाले में जो है दो दो बगल में ही था, दोनों इधर एक स्कूल था बगल में ही स्कूल था, और चूंकि वहां पर भी मतलब वहां गए थे हमारे एमएड के जो साथी थे गए थे वहां, मैं उनसे मिला भी था, मैं सब लोग को बेस्ट ऑफ लक भी किया था, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको कि कुछ स्थान पर चीज हुई है, गैदरिंग हुई है, भीड़ भी हुई है और जो जांच का विषय है वहां पर किस तरह का गड़बड़ी की गई है, लेकिन वो जो हुआ है तो मतलब वो गलत हुआ है, उसमें ऐसा तुरंत नहीं होना चाहिए। सभी अभ्यर्थियों को जो मेरिटोरियस लड़ता है उनको आप चांस दें, पारदर्शी ढंग से काम करें तो ये होना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं हुआ है, कहीं पर गड़बड़ भी हुआ है, तो ये अगली बार अगर कैंसिल हुआ है तो रद्द हुआ है तो उसके बाद दोबारा अगर हो तो इस तरह से नहीं हो, हम ये प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भी ईमानदारी के साथ काम करें, इस तरह से गलत जो मेरी टोरिस्ट लड़ता है वो बेचारा रोड पर क्यों रहेगा, आज इतने दिनों से परेशान है, तो सबको ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए।
सर तो कई जगहों पे जो कैंसिल हो रही है, स्थगित हो रही है, तो फिर इसका काउंसलिंग सब कब तक होने की संभावना है? जो थर्ड राउंड बोला जा रहा है कि थर्ड राउंड होगा, तो उसका तो कोई डेट वगैरह भी अभी नहीं है, तो क्या संभावना है, क्या लगती है सर उसका? हमें लगता है कि जो 13 तारीख को लास्ट काउंसलिंग है ग्राम पंचायत के जो 1 से 5 का, उसके बाद क्योंकि द्वितीय चरण की काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी, उसके बाद हम लोग अब सचिवालय में लगातार संपर्क में रहेंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय से हम लोग बात करेंगे कि सर जो रद्द हुआ है या जो 29 तारीख को 12 बजे रात तक जो NIC पर जो मेगा अंतिम मेगा सूची लोड नहीं हुआ है, उन जगहों पर और जो खाली सीट बच गए हैं उन पर भी हम चाह रहे हैं कि जो सीट खाली रह गए उस पर भी एक बार फिर मौका दिया जाए, और टोटल मिला करके जो रद्द हुआ है, जो वेबसाइट पर NIC पर अंतिम मेगा सूची जारी नहीं हुआ है जिसके कारण उन नियोजन इकाइयों में नहीं हो पाया है या रद्द हुआ है या न्यू जो सीट खाली रह गया, ये तीनों को मिला करके और तीसरा चरण का जो काउंसलिंग है वो जल्द होना चाहिए। इसके लिए हम लोग काम करेंगे, हम लोग प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय से मिलेंगे, प्रधान सचिव से भी मिलेंगे, शिक्षा मंत्री से भी मिलेंगे और लगातार हम लोग इस पर काम करेंगे। तो आप घबराए नहीं, अभी तो डेट नहीं क्लियर हुआ है, लेकिन द्वितीय चरण के हो, क्योंकि अब बीच में हम लोग जाएंगे तो कहेंगे द्वितीय चरण का भी हुआ ही नहीं है, द्वितीय चरण की आप मांग कर रहे हैं, तो 13 के बाद हम लोग लगेंगे और हमें लगता है कि बहुत जल्द इस पर भी हम लोग काम करवाएंगे और जो बचा कुचा जो भी अभ्यर्थी होंगे जो कम मेगांक बने होंगे उनको भी मौका मिलेगा और तब मुझे पूर्ण रूप से खुशी होगी। सर यहीं से एक प्रश्न और उठता है कि जब तीसरे राउंड की बात की जा रही है तो जिन अभ्यर्थियों का 5 जुलाई को काउंसलिंग हो चुका है और अब उनका काउंसलिंग हुए 1 महीना से ज्यादा हो गया सर, तो उन लोग भी अपने नियुक्ति पत्र की बात कर रहे हैं कि हम लोग को भी अब 1 महीना से ज्यादा हो गया तो नियोजन पत्र मिलना चाहिए, हम लोग नियुक्ति होना चाहिए, तो सर कब तक नियुक्ति होने की चांसेस है, क्या लगता है आपको? हमें लगता है कि जुलाई महीना में जो काउंसलिंग हुई है उसकी प्रक्रिया, जांच की प्रक्रिया हमें लगता है कि शुरू हो गई है और ऐसे हम प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय रंजीत महोदय से हम लोग पिछले बार जब मिले थे तो बोल रहे थे कि जुलाई वाला जिसे हुआ है तो उसको प्रोसेस चालू करेंगे, फिर अगस्त वाला होगा तो उसको भी साथ में करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लगता है कि नियुक्ति पत्र साथ में मिलने की उम्मीद है, ऐसा लग रहा है जो जुलाई में हुआ है उनको कम से कम कर दीजिए, अगस्त वाले को अक्टूबर तक ले जाइए, लेकिन जल्द से जल्द कीजिए। तो हमें लगता है कि इस पर भी हम लोग काम करेंगे और जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिलाने के लिए हम लोग अब लगातार संपर्क में रहेंगे, सचिवालय के दौरा पर हम लोग रहेंगे, कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र मिले और जो थर्ड राउंड का जो द्वितीय चरण का जो नियोजन काउंसिलिंग होने वाली है उसका भी डेट हम लोग जल्द से जल्द निकलवाने का प्रयास करेंगे। सर जैसा कि 20 तारीख को पंचायत चुनाव की आचार संहिता का भी घोषणा होने वाला, अधिसूचना जारी होने वाली है और शायद 20 के बाद आचार संहिता भी लग जाएगा, तो सर क्या लगता है कि थर्ड राउंड का काउंसलिंग होगा या नियुक्ति पत्र चुनाव के बाद मिलेगा तो काफी विलंब हो जाएगा सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये अहम सवाल है, चूंकि देखिए ये चुनाव का जो अधिसूचना जारी हुई है आचार संहिता का, हमें लगता है कि उसमें एक नियम होता है कि जो प्रक्रिया पहले से चली आ रही है उसको बीच में आप नहीं रोक पाएंगे, न्यू प्रक्रिया को आचार संहिता में शुरू नहीं कर सकते हैं, कोई भी नई प्रक्रिया शुरू नहीं होगी, लेकिन जो प्रक्रिया पिछले महीने 2 महीने से चल रही है और उससे संबंधित अगर कुछ प्रक्रिया बाकी रह गई तो हो सकता है वो, लेकिन अब सरकार पर निर्भर है, वो कराना चाहती है शिक्षा विभाग या नहीं कराना, लेकिन हम लोग तो प्रेशर करेंगे, हम लोग लगातार उन पर दबाव बनाएंगे कि नहीं सर तृतीय चरण का भी होना चाहिए ताकि जो भी हमारे भाई बहन जो कम मेगा अंक वाले बच गए उनको भी कल्याण हो, तो उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि सरकार चाहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं कि कोई प्रक्रिया नई प्रक्रिया शुरू नहीं होती है आचार संहिता में, लेकिन ये प्रक्रिया तो पहले से चली आ रही है, 2 चरण की काउंसलिंग हो चुकी है तो तीसरे चरण की काउंसलिंग करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, और जहां तक नियुक्ति पत्र का बात है तो नियुक्ति पत्र से चुनाव का कोई मतलब नहीं है, वो सर्टिफिकेट जांच होता है विभाग में तो उसमें जांच वो करा सकते हैं, सितंबर अक्टूबर तक वो जांच करा करके फाइनल करके नियुक्ति पत्र दे सकते हैं, लेकिन थर्ड चरण की जो काउंसलिंग होने वाली है उसकी भी हम लोग मांग जो डाट हम से रखेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द ही उसकी भी डेट इशू करें। सर एक और प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत से अभ्यर्थियों के द्वारा बार बार पूछा जा रहा है कि सर कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों का क्या होगा, उनका जाना कहाँ पे ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या वे दरभंगा जाए जहाँ पे ज्यादा सीटें हैं या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट में ही रहे जहाँ पर भी कम सीटें हैं, तो उनके लिए क्या कुछ टिप्स बताएंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए सबसे पहली बात है कि जो जो अभ्यर्थी अप्लाई किए हैं कहाँ कहाँ अप्लाई किए किस जिला में किस पोस्ट पर
और किस कैटेगरी में अप्लाई किए हैं, इन सारी चीजों को देखना होगा। और पहले सबसे पहले आप रोस्टर निकालिए, रोस्टर में सीट की संख्या देखिए, कितने कैटेगरी में कितने सीट है, आपने जो अप्लाई किया है उस कैटेगरी में कितने सीट है, यूआर के कितने सीट है, यूआर पर तो सभी जा सकते हैं। तो इससे आपको कैटेगरी वाइज आपको पहले रोस्टर देखना होगा, उसके बाद आप वहाँ का जहाँ अप्लाई किए हैं वहाँ पर मेगा सूची में अपने पोजीशन को देखिए कि आपकी पोजीशन कहाँ है। अगर आपकी पोजीशन ऊपर में है, संभावना बन रही है, तो आप जाइए। कोई जरूरी नहीं कि सब लोग को दरभंगे में जाना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि कहीं मान लीजिए कि अगर सीट ज्यादा है तो आप लोकल में भी जा सकते हैं या अगल बगल जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी जा सकते हैं, जहाँ आपका पोजीशन सही बन रहा है, संभावना है कि वहाँ हो जाएगी तो वहाँ भी आप जाइए। कोई जरूरी कि सबको दरभंगे चल जाएगा, बगल में देखिए मधुबनी में बहुत कटअप डाउन हुआ और सब लोग दरभंगा चले आए और मधुबनी से कॉल आ रहा है, तो मेरे पास बगल में शंभु सुमंदिर बैठे थे, वहां से कॉल आ रहे थे कि यहाँ पर मेगा सूची जो है वो 60 पर गिर गया। तो कहीं ना कहीं वो बोले कि अब पहले बताते तो मोटरसाइकिल से भी चला जाता आदमी। तो ये होता है कि जहाँ सीट ज्यादा वहाँ भीड़ता है, अभ्यर्थी ज्यादा लग रहा है कि वही हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जितना सीट है उतने ही लोगों को होगा और जितना सीट के बाहर के लोगों को तो होगा नहीं, सबको तो निराश होना पड़ेगा। तो कहीं अगल बगल में भी अगर आपका पोजीशन बढ़िया बन रहा है तो आप जाए, कोई जरूरी नहीं कि आप दरभंगा में ही जाके कराएं, और अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट में भी देख ले रोस्टर में कितने सीट है, कितने पोजीशन में है, तो आप जाके कोशिश करा सकते हैं। सर अभी अखबार के हवाले से एक खबरें आ रही थी कि महिला के सीट पर पुरुष अभ्यर्थियों का चयन हो सकता है, तो सर ये क्या ये सब पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि महिलाओं का जो सीट है वो बहुत ज्यादा रिक्त बच गया है। पिछले 16 जुलाई को मैं एक लिखित बना करके और उसमें 8-10 मुद्दा था, उस मुद्दा को मैंने लिखित बनाया था, उसमें यह भी मुद्दा था कि महिलाओं की सीट जो अगर खाली रह जाता है तो चाहे तो महिला का जो कैटेगरी के सीट से भर दीजिए, या नहीं अगर महिला नहीं बचती है तो उसको पुरुष को भी वहां भेजना चाहिए। ये हमने लिखित बना करके रंजीत सबको 16 जुलाई को दिया था, मैं उसका रिसीविंग भी मेरे पास है। तो कहने का मतलब ये है कि रंजीत सर ने कहा कि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल मैटर, ये कैबिनेट स्तर की मैटर है, मुख्यमंत्री स्तर की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर चाहेंगे और कैबिनेट के द्वारा मीटिंग बुला करके चाहेंगे तो 2 दिन में करवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री स्तर की कार्य और कैबिनेट स्तर, कैबिनेट जब तक पास नहीं होगा, क्योंकि आरक्षण का मामला है और आरक्षण के मामला में पदाधिकारी या शिक्षा मंत्री कुछ नहीं कर सकते हैं, प्रधान सचिव भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो संजय सर सर ने जो बोला है कि हम नहीं करते तो बात सही है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि मुख्यमंत्री के पास एक बार और भी 2019 में हम लोगों ने फाइल बढ़वाया जुलाई महीना में और उसमें उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, जो मिसाइल युति पर भी था और महिला के सीट पर पुरुष वाली भी बात थी, दोनों जो मुद्दा था मुद्दा को माननीय मुख्यमंत्री वाली भी बात थी, दोनों जो मुद्दा था मुद्दा को माननीय मुख्यमंत्री ने स्वीकार नहीं किया। तो हम लोग फिर से ट्राई कर रहे हैं कि अगर इस पर फिर से पुनर्विचार किया जाए कि अगर मान लीजिए महिला के सीट पर अगर महिला है तो उनको मिलना चाहिए, उनको अधिकार है, लेकिन अगर महिला नहीं है, जहां पर उपस्थित नहीं है, तो वहां पर अगर पुरुष को भी भेजा जाएगा तो पुरुष में भी बहुत इस बार कम लोगों का हुआ, उनको भी कल्याण हो जाएगा। तो हम इस पर प्रयास करेंगे, एक लिखित बनाकर फिर से हम लोग लड़ रहे हैं और उसमें आगे अब सरकार के ऊपर निर्भर है, शिक्षा मंत्री अनुशंसा करेंगे, प्रधान सचिव अनुशंसा कर सकते हैं, डिप्टी डायरेक्टर प्राथमिक शिक्षा विभाग अनुशंसा कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर पास नहीं कर सकते। ऑर्डर तो पास होगा कैबिनेट के द्वारा और जब भी सुधार होगा आरक्षण में तो बिना कैबिनेट के द्वारा या माननीय मुख्यमंत्री के प्रयास से ही होगा, उसमें कोई भी पदाधिकारी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे। एक लिखित बनाकर हम आवेदन तैयार कर रहे हैं, हम लोग 13 तारीख के बाद हम लोग इस मुद्दा पर काम करेंगे, कोशिश कर रहे हैं कि अगर जो खाली सीट है उस पर भी हमारे जो भी बच्चे हो, अगर महिला बच्ची हुई तो महिला को हो, अगर महिला नहीं बची हुई तो पुरुष को भी मौका मिलना चाहिए, हम प्रयास करेंगे। सर अंत में बिहार के तमाम अभ्यर्थियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बिहार के तमाम अभ्यर्थियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग धैर्य के साथ रहें, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं आपकी दुख को तकलीफ को महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी कल तक उसी दुख में था, आज भी मैं थोड़ा हुआ है तो खुशी है, लेकिन उतनी खुशी नहीं है जितनी सब लोगों की हो जाएगी और तब मुझे दुगनी खुशी होगी। तो कहीं ना कहीं पेशेंस के साथ रहें,
और एक बात मैं आप लोगों को मैं कहना चाह रहा हूँ कि रोस्टर और अपनी पोजीशन को जरूर देखें और सिलेक्ट करें कि हमको किस जिला पर किस पंचायत में किस प्रखंड में जाना। और आप लोगों ने मेरे लिए, मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, मैं दरभंगा में जब गया था तो वहाँ पर जो अभ्यर्थी हमारे पास आए मिले, उन्होंने इतने भावुक होकर के कहा।